अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। महानगर में महिलाएं और महानगर वासी की सुरक्षा के लिए पुलिस कितनी अलर्ट है, इसका पता आए दिन हो रही घटनाओं से चल रहा है। मेरठ में पुलिस की सख्ती के बाद भी लूट वाहन चोरी की वारदातों पर अंकुश नहीं लग रहा है। आज दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने दरोगा की पत्नी और उसकी साली से नोटों से भरा पर्स और मोबाइल लूट लिया। महिलाओं के अनुसार पर्स में गोल्ड का सामान भी रखा हुआ था। महिलाओं ने बताया कि पर्स में उनकी आईडी और एटीएम कार्ड आदि भी रखे हुए थे। दरोगा की साली से बात करने पर सामने ये आया कि वो अपनी बहन के साथ स्कूटी पर बाजार से सामान खरीदने जा रही थी। वो लोग जैसे ही थाना सदर बाजार के गंगा प्लाजा के सामने पहुंचे, इसी दौरान चार बदमाश जो कि बाइक पर सवार थे आए और दोनों के हाथ से पर्स छीनकर भाग गए। दरोगा की पत्नी ने बताया कि उसने पर्स छीनने का विरोध भी किया तो बदमाशों ने महिला को 20 मीटर घसीटा, लेकिन सड़क पर गिरने के डर से उसने पर्स छोड़ दिया। दरोगा की पत्नी को रोता देख मौके पर पहुंची पुलिस बदमाशों को तलाशने की बात कहकर चली आई। पीड़िताओं ने थाना सदर बाजार पुलिस को घटना की तहरीर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। वहीं महिलाओं का कहना है कि बदमाश बाइक पर थे और वो सामने की गलियों में तेजी से घुसकर गुम हो गए। उन्होंने शोर भी मचाया लेकिन कोई बदमाशों को पकड़ने के लिए नहीं दौड़ा। दरोगा की पत्नी और साली को इस छीना झपटी के दौरान कुछ चोटें भी आई हैं। थाना सदर बाजार एसओ विजय गुप्ता ने बताया कि घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि बदमाशों का सुराग लग सके। मेरे पास में गोल्ड की चेन है 40-50 हज़ार रुपए है कम से कम, और आईडी है हमारी सारी की सारी आईडी है। इधर से इधर क्या है जगह मुझे नहीं पता, यहाँ से इस वाली तरफ चले। मेरा शीतल नाम है, हम शीतल। मैं बच्चा पार्क से आ रही थी, इधर से मेरी सिस्टर मेरे से बातें कर रही थी, तो इतने में वो लड़के ने ऐसे मतलब इतने जस्ट स्कूटी के इतने पास लाया जैसे कुछ पूछ रहा हो कि रास्ता कहाँ पर है। तो मेरी बहन ने मुझसे बोला कि थोड़ा साइड कर ले, इतने में उन्होंने पर्स में झटका मारा, इतनी तेज झटका मारा कि मतलब हम लोग की स्कूटी भी डिसबैलेंस हो गई थी। मैंने अपने आप को बचाने के लिए इतनी तेज निकल के मैंने चिल्लाया चोर 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 पकड़ो, आगे यहाँ पे कार थी वो उतना मतलब थोड़ी देर रुका, 2 मिनट पब्लिक देख रही है मैं इतनी स्पीड तेज करके उसे पकड़ लूँ। वो उधर से स्कूटी साइड से निकाल के 2 गली आगे वहाँ से साइड मुड़ गया। कितने लोग थे वो? 2 लोग थे। क्या क्या था पर्स में आपके? अब मेरे पर्स में, मेरे ही पर्स में 20,000 रुपए तो थे, पर एक गोल्ड की चेन आज ही लाए थे काशगंगा से। मेरी पूरी आईडी एटीएम आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ था जो एक होता है आईडी प्रूफ में, पर मेरी बहन का अलग पर्स था उसमें अलग 20,000 रुपए होंगे आसपास। मतलब हमारा सब कुछ था, दवाई वाई का मेन चीज सब कुछ थी। आप कैसे थे? हम स्कूटी से थे। इस खबर में बस इतना ही, देखते रहिए firstbite.tv।